बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेलकम टू अवर न्यू चैनल टेल इंस्टीट्यूट बाय मार्कन कंप्यूटर्स। दिस इज मोहसिन अहमद सिद्दीकी। यू नो, लास्ट टाइम हमने क्लीन मास्टर का काम किया था, आज उसको हम कैसे रजिस्टर्ड करेंगे उसका आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका ही फायदा है। लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं मैं। आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, मेरा जज्बा बढ़ता रहेगा और मैं मज़ीद जितनी भी मेरे अब तक एक्सपीरियंसेस हैं या जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं। क्लीन मास्टर, दिस इज़ योर ऐप। ठीक है, अब करना ये है गाइस कि ये रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है। लास्ट टाइम हमने इस वीडियो का ट्यूटोरियल देखा था कि क्लीन मास्टर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम चीज़ें दे दूंगा, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में और सारे जनरल होंगे। ठीक है, और काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपको क्लीन मास्टर का प्रोग्राम चाहिए होगा। ठीक है, तो क्लीन मास्टर का प्रोग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप चाहो तो इंटरनेट से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर लेना। दूसरा आपको चाहिए होगी एक अदद पैच फाइल। इसके साथ करना है जो करना है, ये है हमारा मेन काम जिसकी वजह से ये रजिस्टर्ड होगा। पहले करना क्या है, सबसे पहले तो जब मैं आपको ये दूंगा तो उसके अंदर आपके पास होगा ये ऑप्शन जिसको हम कह रहे हैं क्लीन मास्टर फॉर पीसी। इसको आप कॉपी करो। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है उस जगह पे जहाँ पे क्लीन मास्टर जो है वो कॉपी हुआ हुआ है। अब अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है कि आपको ना मिले, बिकॉज सी क्लीनर देंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, मगर ये तो दूसरा है, हमें तो क्लीन मास्टर चाहिए। तो क्लीन मास्टर का नाम यहाँ पे CMCM है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो गाइस ये फोल्डर है, लेकिन लिखा हुआ आ रहा है फाइल फोल्डर, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलें, आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। आपके पास जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना है ना, आप इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसके बाद आपके सामने आया एक ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन का मतलब है कि ये फाइल किस जगह पर रखी हुई है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, ओपन फाइल लोकेशन। नाउ यू कैन सी हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच चुके हैं। अब जो फाइल मैंने यहाँ पर आपको दिखाई थी पैच वाली, वो आपने यहाँ पर कॉपी करना है। राइट क्लिक करें, पेस्ट करें, सी द क्लीन मास्टर फॉर पीसी 6.02018, इस पर डबल क्लिक करें। बस फिर क्या, बिस्मिल्लाह पढ़ के पैच कर दें, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों को उठाएगा। ठीक है, मेरे पास पैच फेल इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको डिलीट करना है, कर दिया डिलीट। इसके बाद नीचे मिनिमाइज करें इसको, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपके पास इसी के अंदर एक डेटा फाइल है। डेटा फाइल में एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की फाइल है .dat, इसको आप कॉपी करो। इसके बाद उसी जगह पे आपको जाना है जहाँ पे आपके क्लीन मास्टर की फाइल्स को देखा था आपने। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक डेटा का फोल्डर नजर आ रहा है, बिल्कुल ये रहा, यहाँ पर आके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि ऑलरेडी यहाँ पर अगर ये फाइल है तो ठीक है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक होगी, मेरे पास ये ऑलरेडी है तो ये कॉपी एंड रिप्लेस करेगा, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट इसको इस तरह से देख लेना। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर देता हूँ, ये लीजिए कॉपी एंड रिप्लेस मैंने कर दिया है कि ऑलरेडी जो फाइल थी उसी के ऊपर ये कॉपी हो गया और रिप्लेस भी हो गया। ठीक है, समझ आ गया। दोबारा देख लें हमने क्या क्या किया था, ऐसा ना हो कि आप दोबारा से भूल जाएं, तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर में गए थे, सी में गए थे, प्रोग्राम फाइल में गए थे, CMCM के अंदर गए थे, फिर क्लीन मास्टर के फोल्डर में गए थे। यहाँ हमने पैच फाइल को पहले कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर उसको चलाया, इसके बाद हमने वहाँ डेटा में से रजिस्टर की फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा क्लीन मास्टर चलाइए। यहाँ पर देखिए आपके पास
ये ऑटो क्लीन ऑप्शन ओपन हो गया, लाइसेंस लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो, वरना आपके पास बार बार ऑप्शन आता है, ज़रा देख लें जी अबाउट करके। ये लीजिए मेरा प्रोफेशनल क्लीन मास्टर जो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट टाइम भी, ये हो चुका है, क्लीन मास्टर फॉर PC इज नाउ रजिस्टर्ड। बहुत ईजी था, बहुत आसानी से आपको मैंने दिखाया था, ये आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये तमाम चीज़ें आपको लाजमी करनी है, क्योंकि इसी से आपको आगे की वीडियोस का पता भी चलता रहेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और अपने वालदे में ख्याल रखें। लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।